नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों सुजलोन एनर्जी के ऊपर एक के बाद एक दोस्तों बहुत सारे ऑर्डर उठाए हैं और ये जो ऑर्डर है उसके लाइफ टाइम में दोस्तों सबसे बड़ा ऑर्डर वैल्यू का उठा रहा है। दोस्तों क्या यहाँ पे हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे बेहतरीन लेवल है या तो फिर दोस्तों मौका की जगह धोखा हो सकता है, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों उसमें टर्न अराउंड स्टोरी पॉसिबल है क्यों, वो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। जाइडस लाइफ साइंस का हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों, और जाइडस लाइफ साइंस जो है 2.12% का अपसाइड है। आईटीसी का डिस्कशन किया था, वहां पे भी 1.25% की तेजी बनी हुई है। दोस्तों दोनों बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, और अदानी पावर जहां पे बोला था कि ब्रेकआउट आया है और उस ब्रेकआउट के बाद 5% का अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अब ये कहां पर जाके रुकता है वो भी देखने वाली बात होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से आप देख लीजिए। अब चर्चा करते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, जहां पे 9.40 का क्लोजिंग प्राइस है, 10.59% अपसाइड मोमेंटम है। 5 डे के अंदर अगर बात की जाए तो दोस्तों 13.25% का अपसाइड मोमेंटम है, एक मंथ के अंदर 18.24% का मोमेंटम है। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों फंडामेंटल्स में चेंजेस हो रहे हैं एक के बाद एक। रिन्यूएबल एनर्जी पर एनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट जब जब फोकस कर रही है, वर्ल्ड का पूरा फोकस है दोस्तों क्लीन एनर्जी के ऊपर, और उसके वजह से सुजलोन एनर्जी को ए वन बाय वन बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑर्डर कौन सा मिला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और क्या होना चाहिए उसके ऊपर। 6 मंथ के अंदर दोस्तों 18.99% का तेजी है, 1 साल के अंदर 13.12% का तेजी बना हुआ है, 5 साल के अंदर 12.44। अगर लॉन्गर टर्म में बात करें तो दोस्तों इससे अच्छा वेल डिस्ट्रेस्ड स्टॉक आपको कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक जमाने में 400-500 रुपए का प्राइस था, उसके बाद जो गिरावट आई है, एक बिल्कुल पैनी स्टॉक बन चुका था, 1-2 रुपए का स्टॉक था, और फिर वहां से अब तेजी बनना स्टार्ट हुआ है। अब बड़ा ऑर्डर क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। सुजलोन विंस 204 मेगावाट पावर ऑर्डर फ्रॉम सेरेंटिका रिन्यूएबल्स। तो ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है दोस्तों, क्योंकि ऐसा बड़ा ऑर्डर अभी तक इसको मिला नहीं है। सिग्निफिकेंटली लार्जर ऑर्डर है, और फॉर इट्स 3 वीक का वाटर सीरीज ऑफ अ विंड टर्माइन फ्रॉम अ सेरेंटिका रिन्यूएबल्स। हाउएवर द कंपनी हैज नॉट असर्टेन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। सेरेंटिका रिन्यूएबल्स जो है वो एंड टू एंड एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लार्ज स्केल एनर्जी इनिशिएटिव लेती है, और क्लीन एनर्जी के अंदर दोस्तों ये कंपनी काम करती है दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विद द स्टॉक सेंसेक्स, सुजलोन सेड इट्स इंस्टॉल द 68 विंड टर्बाइन जनरेटर विद हाइब्रिड लेटेस्ट WR टावर्स एंड रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट। दैट्स रियली गुड दोस्तों, बहुत ही अच्छा न्यूज है, और इसकी वजह से दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्टॉक में काफी अच्छा मुसाल बन सकता है दोस्तों। और पोस्ट कमीशनिंग दोस्तों इस कंपनी को सुजलोन विल आल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस पोस्ट कमीशनिंग देने वाले हैं। अगर बात करें फंडामेंटल्स के ऊपर सुजलोन एनर्जी के, तो मार्केट कैप 11,163 करोड़ का है, और दोस्तों ROC है 21.9, फेस वैल्यू 2 का है, 52 वीक हाई 12.2 है, वहां से काफी नीचे आ चुका है। EPS जो है 1.94 है, और इंडस्ट्री का PE 30.05। अगर यहाँ पे और डिटेल में चर्चा करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो कोरोना के बाद ये स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल्स में रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है दोस्तों, बट इस साल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा दिख रहा है, 2362 दिख रहा है, वो अदर इनकम की वजह से है दोस्तों, ना कि कंपनी ने खुद रेवेन्यू में जनरेट करके कपाया बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पे अदर इनकम की वजह से ये जो दोस्तों इनकम बन रही है, तो इसकी वजह से बाकी बहुत ही अच्छी लॉस मेकिंग कंपनी थी, पिछले कुछ सालों से काफी अच्छे लॉस बुक किए हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये स्टॉक में अब टर्न अराउंड होने की संभावना है, क्योंकि 2015 तक तो अच्छा कारोबार था दोस्तों, 20,000 करोड़ तक का सेल था, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट आनी स्टार्ट हुई, और उसके बाद अब दोबारा बाउंस बैक कर रहा है, अब बड़े बड़े ऑर्डर दिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे टर्न अराउंड होगा कि नहीं उसके ऊपर बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 14.50% का होल्डिंग है, FII के पास दोस्तों बहुत ही अच्छा होल्डिंग है, पिछले कुछ टाइम में FII ने अपने होल्डिंग्स को कंटिन्यूअस बढ़ाया है, इस स्टॉक में अपनी 7.64 है। DII ने अपने होल्डिंग कम कर दिए 5.55, और पब्लिक अपना होल्डिंग बढ़ा रही है 72.30 का। हम दोस्तों सुजलोन एनर्जी के डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था दोस्तों, वो वैल्यू था 8.90 का, बहुत बार कट करने की कोशिश की बट तोड़ नहीं पाया, आज वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने दोस्तों तोड़ दिया है, क्योंकि अच्छे न्यूज आ रहे हैं, और जब जब बड़े
ऑर्डर्स मिले हैं, तब बड़े बड़े दोस्तों आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो 10 रुपीज का लेवल है दोस्तों, जहाँ यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। अगर कल गैप अप होता है और 10 रुपए के नहीं तोड़ता है, 10 रुपए के आसपास आता है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक रेजिस्टेंस जब तक इसके ऊपर नहीं चलता, तब तक दोस्तों एक बड़ी तेजी बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि नीचे से काफी अच्छा रनर्स अप ले चुका है और पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस हो रहे, तो आगे भी जा सकते हैं। अगर किसी गिरावट में 8.90 के आसपास मौका मिलता है, तो दोस्तों आप 8.75 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। बट एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से डालना है, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। अभी सिर्फ ऑर्डर्स आए हैं और ऐसे और फ्लो आएगा तो दोस्तों कंपनी की कायापलट हो सकती है। आपको इस चीज को बहुत जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।